Assalamu dear viewers, this is Maskwaja founder of askmask.com. Dear viewers, ab hum hazir hue hain ISO 14001:2015 version EMS ki clause number 5 jo ke hai leadership. Badi aham clause hai aur isi cheez ka sabse zyada fukdan hai puri duniya mein leadership ka. To ab dekhte hain EMS leadership ke tarike kya farmate hain. Unhone aage teen sub clause mein divide kiya hai. 5.1 hai leadership and commitment. नंबर टू है एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड 5.3 जो है ऑर्गेनाइजेशनल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज. अब हम तमाम सब क्लॉजेस को बारी बारी देखना स्टार्ट करते हैं. 5.1 क्या कहती है लीडरशिप एंड कमिटमेंट. लीडरशिप एंड कमिटमेंट में क्या कुछ आता है. अच्छा, टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोंस्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट. टॉप मैनेजमेंट जिसको हमने कहा था ना, मैं और आप उसमें नहीं आते, वो टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोंस्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट. उन्हें लीडरशिप एंड कमिटमेंट शो करनी है. कैसे करनी है, उनकी लीडरशिप एंड कमिटमेंट को हम कैसे सेस कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है. GHI पॉइंट्स तक है, ठीक है. आई में हम 9 बनते हैं, 9 पॉइंट्स हैं. तो ये क्या है कि टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. तो सबसे पहला अहम बात ही ये है, सबसे पहली बात कि क्या है उनकी अकाउंटेबिलिटी. देखो EMS के अंदर EMS की सारी अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी है, किसके ऊपर आती है, लीडरशिप के ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है. नंबर टू जो है इंश्योरिंग दैट एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश. एनवायरमेंटल पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं एंड आर कंपेटिबल विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, फ्यूचर प्लान्स है, गोल्स है, जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसके साथ इन लाइन है, ठीक है, उसका इंटीग्रेट हुए हुए हैं. ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन सजे जा रहे हैं तो आपकी एनवायरमेंट पॉलिसी खब्बे लेके जा रही है आपको, ऐसा नहीं. पॉइंट C3 जो है इंश्योरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्रोसेस. वही हमने अभी जो ऊपर वाले पॉइंट बात की है, इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल. रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ये बड़ा जरूरी है. अब कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, ठीक है, जैसे जिसमें फाइनेंशियल आ सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए, आपको टीम चाहिए, ट्रेनिंग्स आ गई, आपको आपको इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे जो है आपकी टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जो आपको चाहिए होंगे टू गेन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी टू अचीव एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए. और ये किसने प्रोवाइड करनी है, लीडरशिप ने. अगर ये नहीं प्रोवाइड करते तो लीडरशिप इज पुअर, अक्सर ये देखा जाता है. पॉइंट ई, कम्युनिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. अच्छा, उन्होंने कम्युनिकेशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो होता है बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, साल के स्टार्ट में एक बड़ी लंबी चौड़ी ईमेल आ जाती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि HSC इज ओवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट बाईपास HSC रूल्स, फला 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 फला. तो वैसी एक ईमेल चाहिए हमें कमिटमेंट शो करने के लिए, और फिर बार बार याद भी कराते रहे अपने GMs को और नीचे वाली मैनेजमेंट को, वही HSC बड़ी जरूरी है और EMS के गोल्स और टारगेट्स को आप अचीव करना है और हमने EMS सर्टिफिकेशन भी लेनी है. अदरवाइज ना याद करें ना कम्युनिकेट करें बार बार तो भूल जाते हैं. इंश्योरिंग दैट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स अचीव्स इट्स इंटेंडेड आउटकम. इंटेंडेड आउटकम फिर वही बात होगी ना कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है उन्होंने इंश्योर करना है कि उनको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं निचली टीम को और फिर वो अपने टारगेट्स को अचीव करें. डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्संस टू कंट्रीब्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. तमाम टीम को, तमाम लोगों को, तमाम एम्प्लॉइज को, तमाम वर्कर को सपोर्ट करें, उनको डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग से मतलब उनको क्या कहते हैं डायरेक्शन शो किया जाए, उनको रास्ता दिखाया जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए. तो टू अचीव एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोटिंग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को प्रमोट किया जाए एंड सपोर्टिंग अदर रेलेवेंट मैनेजमेंट रोल्स डेमोंस्ट्रेट देयर लीडरशिप एज इट अप्लाइज टू देयर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सारी जो थी लीडरशिप एंड कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट थी 5.1. अब आ जाती है 5.2 की. 5.2 के एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो एनवायरमेंटल पॉलिसी के ऊपर क्या फरमाता है स्टैंडर्ड. द टॉप मैनेजमेंट शैल एस्टैब्लिश मेंटेन सॉरी एस्टैब्लिश इंप्लीमेंट एंड मेंटेन एन एनवायरमेंटल पॉलिसी विद इन द डिफाइंड स्कोप.
पॉइंट ए है इट्स अप्रोप्रिएट टू द पर्पस एंड कंडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स टारगेट्स के साथ इन लाइन हो, इंटीग्रेटेड हो, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्ट एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को भी एड्रेस करे, इंक्लूड्स अ कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट फॉर टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एंड अदर स्पेसिफिक कमिटमेंट्स, includes commitment to fulfill its compliance obligation, includes a commitment to control environment, to continually improve. So basically, जो आपकी environment policy है, उसके अंदर three basic commitments हैं. कौन-कौन सी हैं? As per the standard, protect environment. ये होगी number one commitment. Number two commitment as per the standard, जो है fulfill compliance obligations, यानी लीगल जो है ऑब्लिगेशंस कह लें या फिर आप कह लें लीगल रिक्वायरमेंट्स को आप एड्रेस करें. नंबर थ्री जो आपने कमिटमेंट शो करनी है एनवायरमेंटल पॉलिसी में वो कंटिन्यूअली इंप्रूव करेंगे आप, कंटिन्यूअली इंप्रूव. तो ये तीन चीजें जो है आपने एनवायरमेंटल पॉलिसी में शो करनी है कि ये काम हम सारे करेंगे. तो अब जनाब environmental policy shall, environmental policy में क्या कुछ और हो, shall be maintained as documented information के तौर पे आपने इसको maintain किया हो, ज़बानी कलामी ना हो, published हो properly, must be communicated within the organization outside the organization and must be available to all interested parties, यानी documented information हो वो internally या externally हर जगह पे available हो. तो ये थी clause number 5.2. अब बारी आती 5.3 जो के last sub clause organizational role responsibility and authorities. The top management shall ensure that responsibilities and authorities of for relevant roles are assigned and communicated within the organization. यानी हर department पे हर level पे roles and responsibilities और उनकी authorities के बारे में कौन-कौन सी क्या चीज़ approve कर सकती है, किसकी approval authority भी हो सकती है, किसकी signatory authority सकती है, जैसे deputy management representative कुछ लोग कुछ organization में होता है, management representative होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आपने वो who will be the answerable वो क्या कहते हैं corrective action request किसने raise कौन raise कर सकता है, incident investigation कौन कर सकता है, ये सारी उनकी roles and responsibilities होती हैं. इसको define करना और communicate करना top management की लाजमी है. The top management shall assign the responsibility and authority for ensuring the environmental management system conform to the requirement of this international standard. इसका दो basically मकसद है, एक के जो आप आपने EMS बनाया वो इस ISO के standard के साथ compliance हो, in line with this ISO standard हो. Number two, reporting to the performance of EMS including environmental performance to the top management, और top management के environmental performance को मुतालिक बताया. तो ये था basically clause number 5 leadership जो हमने पढ़ ली. तो आप इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हाजिर होंगे दोबारा clause number 6 के साथ. तब तक के लिए